हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द मेना की न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप्स। इस स्कॉलरशिप में आपको आइट्स की भी ज़रूरत नहीं और नहीं कोई एप्लीकेशन फीस। ये स्कॉलरशिप सिर्फ PhDs और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है और आपको आइट्स देना होगा, वो भी आपको यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड। और इसमें कैसे अप्लाई करना है, वी विल टॉक अबाउट द कम्प्लीटली प्रोसीजर। एंड फर्स्टली वी शुड नीड टू गो टू द गूगल एंड सर्च मीना की न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप। तो आपको यहाँ पर मीना की न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एक फर्स्ट पे या सेकंड पे एक वेबसाइट शो होगी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, जिसका न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप से होगी। उसको आप क्लिक करें उस वेबसाइट पर और उसके बाद आपको 3 कैटेगरीज में स्कॉलरशिप नज़र आएंगी। आप उनको अगर रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। 3 डॉट्स पे जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे लिखा होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक टेस्ट, आपको सबसे पहले जीमेल लगानी होगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको एक टेस्ट देनी होगी। टेस्ट देने के बाद इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू विल बी गेट अ सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन ईमेल ऑन योर ईमेल। आफ्टर यू शुड नीड टू गो एंड लॉग इन एंड सेट अ पासवर्ड। यू कैन सी इन मोबाइल स्क्रीन। अब मैं इसको अपनी स्कॉलरशिप्स को रिज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही ये फिल कर दी थी स्कॉलरशिप का फॉर्म। जिस भी कंट्री से आप उस पर क्लिक कर दें, और अगर आप किसी भी फॉरिजन कंट्रीज़ में दिन कितने भी स्पेंड किए हैं वो आप यहाँ पर डेज क्लिक कर देना, लगा देना। इफ़ यू आर मिलिट्री बिलोंग्स सो यू कैन चेक। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, एंड आपको डिफरेंस डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। एंड अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट से हैं वो आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको एक और चीज़ शो होगी, यूनिवर्सिटी एंड किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स, PhD, और 4 ऑप्शन शो होंगे जिस पर भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, जो एसेस वगैरह होंगे। आप उसको अच्छी तरह से रीड करके अपने हिसाब से उसको फिल कर देना, और जो जो चीज़ें आपसे वो मांग रहे हैं वो कर देना, एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस बेस्ड। एंड उसके बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस शो करवाना होगा, जो आपने अगर इंटर्नशिप वगैरह क्लियर किए, जो कुछ भी किया वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शंस रीड करके उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद भी आपको कुछ एसेस वगैरह जो आपके रेफरेंसेस मांगेंगे वो आपको इधर लिखने हैं, वो आप अपनी तरफ से लिख कर फिर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखने हैं। नीचे आपको भी एक और रेफरेंसेस और इंस्ट्रक्शंस वगैरह समथिंग लिखनी है, जो आपने वर्क किया होगा उसके बारे में भी आपको बताना है कि आप किस तरह किया, वो भी आपको कुछ लिखना होगा उसके बारे में भी। नीचे एक और भी आपको रेफरेंसेस लिखने पड़ेंगे कि आपको कैसे, आप स्टडी के लिए आप अकेले में स्टडी कर सकते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, वो आपको इसके बारे में भी लिखना है। इतना हार्ड नहीं है फॉर्म फिल करना, बिल्कुल ही ईजी है। इस पर आपको फॉरिजन ओवरसीज़ में स्टडी करना कैसा रहेगा वो उसके बारे में आपको लिखना है, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप ओवरसीज़ में, ओरिजिन कंट्रीज़ में ड्यूरिंग द स्टडीज़, वो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी यहाँ पर। उसके बाद आपको इधर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सम उनकी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसको आप सब पर चेक मार के आपको एट द एंड सबमिट कर देना है, और आपको एक ईमेल कन्फर्मेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।